नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ने तथा कथित बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों को पीछे छोड़ दिया है और भारत ने अपने इस कारनामे से सबको हैरान कर दिया है। जहां पहले भारत को पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा गरीबी, गंदगी आदि परिपाटियों में दिखाया जाता था, वहीं आज अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत में गरीबी आबादी की संख्या में लगातार कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश से अति गरीबी का उन्मूलन खत्म होने की कगार में है। ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने लक्ष्य को महज 11 सालों में ही प्राप्त कर लिया है, जो पहले लगभग 30 साल में देखने को मिलता था। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ब्रुकिंग्स ने 2022-23 के उपभोग व्यय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2011-12 के बाद से वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत 2.9 प्रतिवर्ष बढ़ी है। इस दौरान ग्रामीण वृद्धि 3.1% और शहरी वृद्धि 2.6% बढ़ी है। आइए पहले हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। गरीबी एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन यापन के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीजों का अभाव होता है। गरीबी का मतलब है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम होना कि बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सके। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की जाती है। भारत में गरीबी का आकलन उपयोग व्यापार आधारित है, न कि आय के स्तर पर। गरीबी की घटना को गरीबी अनुपात द्वारा मापा जाता है, जो प्रतिशत के रूप में व्यय कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात है। इसे हेडकाउंट अनुपात भी कहते हैं। चलिए आंकड़ों से समझते हैं कि कैसे अति गरीबी की दर खत्म हो रही है। शहरी गिनी सूचकांक 36.7 से घटकर 31.9 हो गई, जबकि ग्रामीण गिनी सूचकांक 28.7 से घटकर 27 रह गई। आपको बता दूं कि गिनी सूचकांक आय वितरण की असमानता को प्रदर्शित करता है। यदि यह शून्य हो तो इसका अर्थ है कि समाज में पूरी तरह से समानता है। ब्रुकिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उच्च वृद्धि दर और असमानता में बड़ी गिरावट ने मिलकर भारत में गरीबों को खत्म कर दिया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात हेडकाउंट गरीबी अनुपात 2011-12 में 12.2% से घटकर 2022-23 में मात्र 3% रह गया है। भारत में गरीबी के कारणों को जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट। भारत में जनसंख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है। पिछले 50 वर्षों के दौरान इसमें प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि हुई है। इसके उपभोग वस्तुओं की मांग की काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा अन्य कारण जैसे कम कृषि उत्पादकता, कुशल संसाधन उपयोग, आर्थिक विकास की निम्न दर, बेरोजगारी इत्यादि। इन गरीबी के जाल से लोगों को निकलवाने के लिए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, काम के बदले भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्ण योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना इत्यादि। भारत सरकार द्वारा चलाए गए बहुआयामी योजना के परिणाम स्वरूप ग्रामीण अति गरीबी 2.5% एवं शहरी अति गरीबी 1% रह गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।